सेनवा शहर थाना पुलिस ने देवदर्शन कॉलोनी में शिक्षक के यहाँ आल्टो कार सहित चोरी के मामले में अंतरराज्यीय चोर पवन आर्य को किया गिरफ्तार। पवन पर महाराष्ट्र राजस्थान में कई नकबजनी के मामले हैं दर्ज। 26 दिसंबर को देवदर्शन कॉलोनी में शिक्षक शिवदास पाटिल के घर पर आल्टो कार सहित चोरी का खुलासा करते हुए पुलिस ने बताया कि अंतरराज्यीय चोर गिरोह के पवन पिता रामदास आर्य 33 साल निवासी गोहद जिला भिंड को एबी रोड मक्सी के आगे से पकड़ा। आरोपी ग्वालियर से इंदौर की ओर आ रहा था। उस पर महाराष्ट्र राजस्थान में कई नकबजनी अंजाम दे चुका है। इसका साथी मनोज पिता ठाकुर से आर्य निवासी गोहद फरार है। 26 दिसंबर को शिवदास बिठल पिता पाटिल जो है, ये इनका देवदर्शन कॉलोनी के रहने वाले हैं। इनकी एक आल्टो K10 कार एवं घर से एक टॉप्स और उठी नकबजनी हुई थी और कार बाहर खड़ी थी, उसको ले गए थे। और विवेचना के दौरान TI अपने डावर साहब को मुखबिर द्वारा सूचना मिली कि यह अंतर्राज्यीय गिरोह के पवन और मनोज ये उस समय यहाँ देखे गए थे। आदमी लगाए गए और पवन को मक्सी से प्रधान आरक्षक पाटीदार संजय पाटीदार अपने साथियों के साथ वहाँ गया और इलेक्ट्रॉनिक इन्वेस्टिगेशन का सहारा लेके उसको वहाँ पकड़ा और पकड़ के लाया है। इसको पुलिस रिमांड लिया जा रहा है। ज्ञातव्य हो कि यह नकबजन अंतर्राज्यीय नकबजन है जो राजस्थान, महाराष्ट्र और इंदौर जैसे शहरों में इसने कई चोरियाँ की हैं। सेंधवा आदिवासी समाज की महिलाओं को सोशल मीडिया पर राजस्थान के SK तिवारी व विनोद शर्मा के द्वारा आपत्तिजनक व अभद्र भाषा में टिप्पणी करने के खिलाफ मंगलवार को आदिवासी एकता परिषद महिला प्रकोष्ठ के बैनर तले कार्यकर्ताओं ने चाचरा चौकी पर SK तिवारी और विनोद शर्मा के खिलाफ एट्रोसिटी एक्ट के तहत मामला दर्ज करने के लिए ज्ञापन सौंपा। आदिवासी एकता परिषद की राजकला सोलंकी ने बताया कि राजस्थान के शिक्षक SK तिवारी व परशुराम सेना राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष विनोद शर्मा ने फेसबुक पर आदिवासी महिलाओं के खिलाफ आपत्तिजनक व अभद्र टिप्पणी की है, जिसको लेकर हम इसका विरोध करते हैं और इन दोनों पर अनुसूचित जाति जनजाति एक्ट 1990 के तहत कार्रवाई की मांग करते हैं। ज्ञापन देने के दौरान राजकला सोलंकी सहित बड़ी संख्या में आदिवासी युवतियां व महिलाएं मौजूद रही। करही ग्राम चिनगुन में सत्यवादी वीर तेजाजी महाराज की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा व भंडारा के कार्यक्रम में सांसद गजेंद्र सिंह पटेल व कांग्रेस के समाजसेवी देवेंद्र साधो शामिल हुए। मंदिर में सांसद व समाजसेवी देवेंद्र साधो ने मंदिर में पूजा अर्चना कर नमन किया। तत्पश्चात ग्रामवासियों से मुलाकात कर उनकी समस्याओं को जाना। सांसद ने कहा कि लोक देवता वीर तेजाजी महाराज का जीवन हमें सद्मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है। ग्रामवासियों ने सांसद का शाल श्रीफल भेंट कर सम्मान किया। ग्रामवासियों ने सांसद से भवानी माता के पंडाल पर टिन शेड की मांग की। सांसद ने ग्रामीणों की मांग पर आश्वासन देते हुए कहा कि आपकी मांग जल्द पूरी की जाएगी।